शाहरुख खान भारत की शान है ये बात साबित हो चुकी है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की बादशाहत अब हमेशा के लिए जिंदा रहने वाली है, क्योंकि पठान ने पहले ही दिन तोड़ दिए हैं ऐसे रिकॉर्ड जो पहले कभी नहीं टूटे। दोस्तों, पठान ने पहले दिन कमाई के साथ साथ और भी कई रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। फिल्म ने भारत में 54 करोड़ की कमाई की, लेकिन इस कमाई के साथ कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। पठान का जलवा वर्ल्ड वाइड में भी कामयाब हो चुका है। दोस्तों, फिल्म 100 करोड़ के पार जा चुकी है। ये तो कुछ भी नहीं, अब आपको बता दें कि पठान ने पहले दिन और भी कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और बॉलीवुड के किंग लंबे समय बाद पर्दे पर जो दिखाई दिए हैं, तो ऐसा होना तो मुमकिन है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो कई रिकॉर्ड टूटने बाकी है। दोस्तों, पठान से पहले दिन कमाई के साथ साथ और भी कई रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। फिल्म ने भारत में 54 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड तो फिल्म में 400 करोड़ के पार का बिजनेस कर चुकी है। आइए अब आपको बता दें कि आखिर पठान फिल्म ने ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं। दोस्तों, नंबर 1, भारत में अब तक सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली पठान पहली फिल्म बन चुकी है। नंबर 2, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये पहली हिंदी फिल्म बन चुकी है। नंबर 3, बिना किसी छुट्टी वाले दिन रिलीज हुई ऐसी फिल्म बनी है जिसने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। नंबर 4, यशराज बैनर की तीसरी फिल्म जिसने वार ने 53.35 करोड़ और डग्स ऑफ हिंदुस्तान ने 52.25 करोड़ के बाद अब पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने वाली पठान पहली फिल्म बनी है। नंबर 5, तीसरी यशराज पाई यूनिवर्स फिल्म जिसने एक था टाइगर और वार के बाद रिकॉर्ड कायम किया है। नंबर 6, पहले दिन झंडे गाड़ने वाली शाहरुख खान के कैरियर की पठान पहली हाईएस्ट रेसिंग फिल्म बनी है। नंबर 7, दीपिका पादुकोण के कैरियर की भी पठान पहली फिल्म है जिसने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। दोस्तों, नंबर 8, फर्स्ट डे पर जॉन इब्राहिम के कैरियर की भी ये पहली हाईएस्ट ग्रेसिंग फिल्म है पठान। नंबर 9, यशराज फिल्म्स की भी पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी है पठान। नंबर 10, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के कैरियर की भी पहले ही दिन कमाई करने वाली फर्स्ट फिल्म बनी है पठान। तो दोस्तों, फिल्म कवरेज देखते हुए इंडस्ट्री को मानो ऑक्सीजन सा मिल गया है। 2022 के सूखे को पठान ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऐसे में खुशी से झूमे खान के परिवार ने पार्टी रखी है और ये पार्टी स्पेशल स्क्रीनिंग के साथ साथ रखी गई, जिसे गौरी खान ने खुद होस्ट किया था और पार्टी में खुद सलमान खान भी पहुंचे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शाहरुख खान की पठान की रिकॉर्ड तोड़ ये फिल्म, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने फिल्म देखी है तो ये भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।